नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। बदायूं में मकान ढहने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों में से एक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे बरेली के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दीवाल गिरने का कारण बताया गया था, जिसमें दो छोटे बच्चे थे, एक 14 साल की लड़की और एक करीब 60 साल की महिला थी। जो दो छोटे बच्चे थे वो मृत अवस्था में लाए गए थे। जो 14 साल की लड़की थी उसको काफ़ी गंभीर हालत में हम लोगों ने यहाँ भर्ती किया और उसकी स्थिति को देखते हुए उसको हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी। बाकी एक जो माता जी हैं जिनका हालत स्थिर थी, उनको हमने यहाँ भर्ती इलाज करने के लिए रोक लिया। बदायूं के दातागंज तहसील में तैनात लेखपाल का एक किसान से 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि किसान ने अपनी जमीन बचाने के चक्कर में लेखपाल से काफी विनती की थी, जिसके बाद लेखपाल ने किसान से 2000 रुपए की डिमांड की। फरुखाबाद के थाना मऊदरबाजा में विकास कार्यों को लेकर एक व्यक्ति ने सीडीओ से शिकायत की थी। आरोप है कि व्यक्ति ने जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की थी वो सीडीओ के काफी करीबी हैं, लेकिन सीडीओ ने उल्टा शिकायतकर्ता को ब्लॉक में बुलवा कर उसका चालान कर दिया। इसके बाद लेबर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीडीओ का पुतला फूका। सीडीओ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उन्हें निलंबित करने की मांग की है। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में डायल 112 का पुलिसकर्मी नशे में धुत पाया गया। नशे की हालत में पुलिसकर्मी चौराहे के पास मिला। पुलिसकर्मी को नशे में देखने के बाद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और पुलिस वाले की इस हरकत को दिखाने के लिए लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। फतेहपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्राद्ध व पिंडदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिंडदान कार्यक्रम में पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए उपाध्यक्ष शिवाकांत तिवारी ने मुंडन भी कराया। इसके बाद जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे ने सीएम योगी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम ने कानून व्यवस्था की हत्या की है। यूपी में तो अपराध की मानो बाढ़ सी आ गई है। लगातार लूट, अपहरण, हत्या जैसी जघन्य वारदातों को अपराधी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। कटिहार में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने लुटेरों के बारे में बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने 62,000 की लूट को अंजाम दिया है। इसके अलावा भी ये लोग कई जगहों पर लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में रेपिस्ट के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस के कार्रवाई ना करने पर रेप पीड़िता ने खुद आरोपी को सजा देने का फैसला लिया। आक्रोश में पीड़िता ने सरेआम आरोपी की पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि पिछले 2 महीने से वो पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगा रही है। CBSE की हाई स्कूल की परीक्षा में 95% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जा रही है। फतेहपुर में CPS के डायरेक्टर ने मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, बल्कि दूसरे स्कूल में भी एडमिशन लेने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए स्कूल ने ये फैसला लिया है। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब लोगों से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बकरा ईद मनाने की बात की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान लोगों से घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की। सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से ईद को मनाएं। साथ ही प्रशासन से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी हमदर्दी के साथ निभाने की कोशिश करें। संभल में बिजली विभाग की लापरवाही से विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लाइनमैन बिजली ठीक कर रहा था, तभी अचानक वहां लाइट आ गई। करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस पर बिना परिजनों के बताए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के आरोप लग रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।